नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां एक बार फिर से करण बोलता हुआ नजर आएगा प्रीता से कि प्रीता अब तुम राजवीर को समझाओ और जल्द से जल्द हमें यहां से निकलना ही होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि राजवीर को समझाकर फाइनली घर में एंट्री दिलाने के लिए इस समय करण बहुत ज़्यादा जोर लगाता हुआ नजर आ रहा है। करण का मानना यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे मेरी वाइफ प्रीता मिल चुकी है, मेरा बेटा राजवीर मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, राजवीर तैयार नहीं होने वाला किसी भी कीमत पर लूथरा परिवार में जाने के लिए, क्योंकि दोस्तों राजवीर एक ऐसा शख्स भी रहा है कि जो हमेशा हर किसी के लिए खड़ा रहा है, लेकिन उसे ये पता है कि हमारे साथ में बेहद कुछ गंदा हुआ था। क्योंकि सृष्टि और प्रीता को जिस समय पर निकाला गया था, वो घटना पूरी की तरीका से सृष्टि ने राजवीर को बताई थी कि राजवीर बेटा आखिरकार हमारे साथ में क्या और सब कुछ कैसे हुआ था। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के लिए कहानी का एक नहीं बल्कि समय एक और भी नया टूट रहा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात की जाए इस समय की एक और नई बड़ी अपडेट की, तो इस समय की एक और भी नई बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में जल्द ही दस्तक देगी। दोस्तों कहते हैं जो होता है वो कहानी के साथ साथ में कई चीज़ें और भी लाता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बात की जाए इस समय की एक और नई बड़ी अपडेट की, तो इस समय की नई बड़ी अपडेट इस प्रकार से आती हुई नजर आएगी कि यहाँ पर राजवीर और पलकी करेंगे सौर्य को एक्सपोज। क्योंकि सौर्य जो आखिरकार छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था राजवीर की सभी लोगों के सामने, वो भी जल्दी ही पता लगते हुए नजर आएगी दोस्तों। क्योंकि सभी लोग हैरान भी हैं और हैरान होने के पीछे लगातार अलग अलग लॉजिक्स भी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि हर एक चीज़ के पीछे बेहद बड़ा मतलब दिखाई देता है। दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूं रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो।